सबको प्रणाम नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून मॉर्निंग तो बाहर हो गया अभी। ऑनरेबल डिप्टी सीएम त्रिपुरा श्री जिष्णु देव बर्मन जी, श्री मुकेश शर्मा जी हेड ऑफ बीबीसी दिल्ली, श्री पारिक जी, श्री पुनीत जी डिप्टी मेयर, मेरे छोटा भाई आशुतोष जी, और आज का प्रोग्राम का सबसे स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल पीपल ऑफ द प्रोग्राम द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो मेरे प्यारे युवाओं सबको मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य है कि आज दोबारा फिर पैंडेमिक के बाद आप सबको जो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, इनका आपके बीच में हम आके आपके साथ एक बार बात करने का मौका मिला है। इसके लिए भगवान ईश्वर को और मेरा जो टीम यहाँ पर है उनको सब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। द फ्यूचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमारा जो है हमारे जर्नी में लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन। जब हम लोग बचपन में व्हेन वी वर वेरी यंग, हमें पता नहीं था कि ये टेलीफोन जो है, अभी आप मोबाइल फोन देख रहे होंगे, हमें पता नहीं था ऐसा वाला कोई चीज आएंगे। तो आपका आफ्टर 50 इयर्स व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन, व्हाट टाइप ऑफ क्राइम्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू एनकाउंटर, यू कैनॉट प्रेडिक्ट। ये आपका बड़ा चैलेंज है। ये अभी आया है पैंडेमिक, हमें कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा आएगा। हम लोग सब खुश थे, वी वर एंजॉइंग, वी आर सो हैप्पी, फिर ये अचानक आ गया। सो इट इज अ जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन। आप जो तो पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड यू एक्ट एंड प्लान ए प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। यू आर द प्रेजेंट, वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव पास्ट, नाउ यू आर द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। मुकेश जी ने भी बताया है कि सबसे यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। देयर आर 167 डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री जो है भारत है, और इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा भारत में क्या क्या समस्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एंड यू आर द राइट पर्सन हु आर द सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। आज के दिन द टाइम इफ वी यूज इट प्रॉपरली, जो आगे जाके जो आगे आने वाला समय में हमारे लिए आसान होगा। People who can predict what is going to happen in future, for example when you play a game, या आपका दुश्मन कोई आप मुकाबला कर रहे हैं, तो आप उनका strength and weaknesses को पता है, वो क्या करने जा रहा है, तो आपको उसको defend करने के लिए उसके लिए आप योजना बना सकते हैं। You can plan out if once you know the weaknesses and strengths, but in life you are not going to know what is which, who is your enemy, what is going to be your enemy. So, मैं ये देख रहा था यूथ टू आस्क क्वेश्चंस, एवरी प्रॉब्लम एवरी चैलेंज हैज टू हैव अ सॉल्यूशन। देयर आर नो प्रॉब्लम्स, देयर आर नो चैलेंजेस व्हिच डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, बट यू आर वंस हु आर गोइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशन अनलेस यू आस्क। अब क्वेश्चन पूछना नहीं पूछेंगे तो जवाब कहां से आएंगे, आपको पूछना पड़ेगा व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, when it is going to happen and what are the solutions, how, what, where, when, aap puchenge tabhi jawab milega, bina puche aisa baitha rahega to we are not going to have a better form of government, a good society. What, why we are here, what we want is we want to make the world a better place and also India as a country, a great country, we should try to contribute in making world a better place.
And your role is very, very important. आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा. तो कैसा करेंगे? डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज चूजिंग, इलेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज व्हिच इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड. वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो स्विट्जरलैंड में है, अभी भी चल रहा है. पूरा आके जो अपना रखेगा, राय रखेंगे, और जिसको चुनना है हाथ उठा खड़ा करके कर लेते सब कुछ डायरेक्टली. बट अभी जो मैक्सिमम है वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. आप यू चूज, यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव. लाइक आई एम फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, सर इज देयर फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो जब इलेक्ट करता है, इलेक्ट करने के समय आपको फुल पावर दे. आई एम यू नॉट माई सेल्फ. आई बीन इलेक्टेड बाई यू. आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर, आई एम ए फैसिलिटेटर. आपके लिए हम गए, लेकिन आपने यही चुना था. आपने बोल रहा है कि पावर हमारा पास गया है, पावर हमारा पास नहीं, पावर आपके पास है. आपको दिया हुआ है 5 साल का, खराब हो रहा है तो चेंज कीजिए, जाके बोलिए, प्रेशर ग्रुप बनाइए. अभी एक वन ऑफ माई लविंग डॉटर बता रही थी कि स्कीम्स जो है आ रहा है, टारगेट ग्रुप्स में नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है. रोने से नहीं होगा, लेकिन कैसा पहुंचा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है. आप सवाल उठाइए, यू स्टार्ट एक्टिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर फोकसिंग मोर ऑन थियोरिटिकल साइड, एकेडमिक साइड में. हम लोग को अप्लाइड साइड में नहीं जा रहा है. इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड, आई कैन डू इट इफ देयर इज ए विल एंड कमिटमेंट. लेकिन जब हम बोलते रहेंगे लेकिन करना नहीं चाहेंगे तो कैसा करेंगे. सिंपल एग्जाम्पल, वेन वी टूर इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जब लोगों से मिलता है तो क्या करता है बुजुर्ग, ऑल लेडीज फ्रॉम 85, 86, 80, अबव 80, एक IGNOPS, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन पेंशन स्कीम फॉर विडोज एंड फॉर एल्डरली पीपल, लाल वाला वो कार्ड लेके आती है, बोलती है कि 3 साल से कार्ड तो है, 3 साल से मुझे पेंशन नहीं मिल रही. एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, एज ए वर्कर, एज ए आंगनबाड़ी वर्कर, कोई भी मदद करना चाहता है तो मेरा एरिया में कितना लोगों के पास कार्ड है, किस किस को नहीं मिला है पेंशन, क्यों एंट्री नहीं हुआ, क्योंकि आधार कार्ड में जो नाम है और इस तरफ उनका क्या बोलता है अकाउंट का नाम, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क हो, या इसमें कुमारी लिख दिया, कोई देवी लिख दिया, कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा प्रॉब्लम मिल गया. शी इज इलिटरेट, अनएजुकेटेड, शी डजंट हैव एनीबॉडी इन द रूरल एरिया टू हेल्प. तो यू कैन फैसिलिटेट, यू कैन गो आउट रीच आउट. उसी में मदद करने से क्या होगा, बैकअप सिस्टम नहीं तो बैकअप, दैट इज द बैकअप. यू आर अ बैकअप, यू आर अ फ्यूचर, यू आर अ सॉल्यूशन. हमको एक्ट करना पड़ेगा. लाइक एक और भी युवा ने बोला था, मैं ये सुन रहा था कि पावर अथॉरिटी विदाउट पोजिशन ऑल्सो यू कैन बी वेरी पावरफुल. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड स्टेचर. आप देखिए नेल्सन मंडेला, 27 ईयर्स इन द जेल, प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ, किसके लिए? आपने सुना होगा मार्टिन लूथर किंग, आप पढ़िए, यूट्यूब में जाइए, आप देखिए उनका किताब, किसके लिए लड़ा उसने. When you speak about democracy, first thing is आपका अधिकार. Democracy जब आता है बात अधिकार, उसके साथ आएगा आपका responsibility. लेकिन ये एक हिंदी फिल्म भी था, रोटी कपड़ा और मकान, basic needs. The basic needs are your requirement, your right, your अधिकार है. तो जहां जहां पर आप हैं वहां पर basic needs मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. You can help out, you can be facilitated, you should go out. तो मैंने अभी बताया था कि time is very important, it's not going to come back twice. स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि every moment is very important because it is the same moment is not going to come back twice. दोबारा आने वाला नहीं. आज आप लोग हैं 3 दिन के लिए, आप 1 करोड़ दे के आप बोलेंगे हम वही time, वही सिचुएशन, वही लोगों के साथ बैठने का मौका 1 करोड़ देकर आप खरीदेगा बोनस से, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो फॉर यंग पीपल लाइक यू, यू शुड यूज द टाइम वेरी प्रॉपरली. यू कैन डू मेनी थिंग्स.
talents, there are Isaac Newton's, Thomas Alva Edison's here, Malala's are there.